नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। मनुष्य कैसे अपने किए का फल भोगता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमते हुए कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे, जगह जगह से शरीर से रक्त रिस रहा था। भयंकर पीड़ा की वेदना से वे दोनों कराह रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, ना जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। मित्रों, उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ गई। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रिश्ता हुआ रक्त और मांस देखा तो वे अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है, हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया है। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने घायल अवस्था में दो स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने हमें जो भोजन बनाया है वही ठीक है, ज्यादा मन नहीं चलाना चाहिए। ज्यादा मन चलाना खुद के लिए ही तकलीफ देह होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है, वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल भूखे रह लेना पर इंसान के मांस को खाने का कभी मत सोचना। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जिनका मांस खाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हां पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाओ, आखिर हम भी तो जाने कि इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे, कृपया पिताजी हमें जरूर सुनाइए। तब गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बच्चों, यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले यह दोनों एक राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग सिद्धार्थ गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था, रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलों दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उससे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह को लक्षण हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मित्रों, आपको बता दूं कि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था।
राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मनसा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थीं। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लाल पालन करती थीं। राजा तो उसे कुलक्ष्ण कहता था और इसीलिए उसका नाम कुलक्ष्ण पड़ गया था। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासिया कब तक उसका पालन पोषण करती रहती। दोस्तों, इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब एक साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाईं और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह मित्रों, सौभाग्यवती और कुलक्ष्ण दोनों ही साथ साथ पलने लगीं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्ष्ण मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिला लाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलकर्ण को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुई तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतार कर कुलकर्ण को पहनने को दे दिया जाता था, क्योंकि मित्रों, जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। दोस्तों, जो कुलक्षण थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी मां की तरह उसकी मां भी बहुत ही धार्मिक थी। जो उसे जन्म देकर मर गई थी वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलकर्ण को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलकर्ण कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी को छोड़कर महल के बाकी सभी लोग कुलक्षण से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी मां हमेशा उसे डांट रहती थीं। राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला नहीं समाता था। जिसे वह कुलकर्ण मानता था उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी कुलनी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षण उसके सामने ना आए। इस बात का पूरा रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा उसे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सवर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा,
हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलखंड का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर लग था कि वह मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस कुलक्षण से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज क्यों ना पहले इस कुलक्षण का विवाह करके इसे इस घर से हटा दिया जाए, हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका का विवाह पहले कर देते हैं, जैसी यह है ऐसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिख मंगा लड़का ही ठीक रहेगा, वह कहां राजमहलों के लायक है, जहां भी जाएगी मां का बेड़ा गर्क कर देगी, ये तो अपनी मां को खा ही गई, वहां भी न जाने क्या क्या कर देगी, इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, रानी साहिबा आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, कुलकर्ण के लिए एक अंधा और परिवार से हीन ढूंढ कर आओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था, मां बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उससे कहा, माई हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो, भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा। तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी कुलक्षण का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। कुलकर्ण अपनी ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है, मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते, खैर भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षण ने यह मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है, क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना बना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर टीका की सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहां पहुंचे, क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। मित्रों, राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े रथ दहेज दान में दिया और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी जिसे राजा कुलक्षण कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसीलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहां भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे।
उधर कुलनी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्षण अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो, आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर ले और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षण कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है, तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो, मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगा से तो रहेंगे। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक दो तरस खाकर कुछ दे भी देता है, मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसीलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहां जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं यह सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। दोस्तों उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगे, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी ये खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, देवी कहां तुम इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें उज्जैन पर पहुंचना है। विधि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु मुझे तो ये खरबूजे खाने हैं। माता विधि जिद कर गई, कहने लगी, देखो स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। दोस्तों माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए उस खरबूजे वाली के पास। उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता विधि और विधाता ने बहुत ही दीन रूप बनाया था, फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे, जाकर कहने लगे, बिटिया हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा। तो कुलक्षण कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था, पहले उसने विधाता और माता विधि बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने वे दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए, अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे, अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहाँ है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे, कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि हुई, बूढ़ी माँ कहती हैं, बिटिया मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। कुलकर्ण ने कहा, लाओ मैया मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। इतना कहकर वह माता विधि के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी, विधि माँ को नींद आ जाती है। विधि माँ को नींद आई तो कुलनी अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। दोस्तों विधाता भी वहीं पर लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बेटी तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो, यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूति है,
इससे इसका क्या भला होगा? माता, विधि बोली, प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साढ़े पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू मां से कहती है, मां जी, आज एक बूढ़ी मां और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। और देखो मां, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए। मां, अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जें। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सांस कहने लगी, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, मां, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सांस बोली, बहू, थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। दोस्तों, शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी मां ने, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो, और थोड़ा बहुत भभूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मां जी, उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया? तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं मां जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी मां कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत कचोट लगा था, और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू मां ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी मां से बोला, मां, देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया दोस्तों। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवा, एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु दोस्तों, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है,
जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्यपाट धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था दोस्तों। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, और सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई तो उसने अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी तुझे यह कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। सौभाग्यवती यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े और बूढ़ी मां को खरबूजे खिलाए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है अपनी बहन से। यह सब जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है, तू तो क्यों चलन के मारे मरी जा रही है, तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जा। दोस्तों उसने एक डलिया में खरबूजे भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजे ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है और यहां बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जन निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहां से, तुम लोग कितने गंद हो, मैं यहां खरबूजे बेचने आई हूं, तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा, अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी, तुम लोग पीछे हटो। दोस्तों सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन विधि और विधाता वहां नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं, जब भगवान साक्षात नहीं आए। उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी मां आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोले में हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी भभूति निकालकर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह वह सोकर उठी
तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोच कर वह बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन्न भिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती मुंह पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान। अब वह गाली ग्लोस करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गम्मा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो कोड़ी हो गए थे वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो दोस्तों। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोड़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं दोस्तों, और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, उनके शरीर से रक्त और मांस गलगल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिससे वे कुल्क न समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली, और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे, पर उनका पाप बहुत बड़ा था इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वे अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में बैठे बैठे भोग रहे थे। उधर दोस्तों गिद्ध बोला, है बच्चों, यह दोनों स्त्री पुरुष वही हैं। अब बताओ कि क्या तुम अब भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे। उन दोनों की कहानी सुनकर गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस प्रकार गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।